आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बलौदाबाजार जिले के रिजदा स्थित इमामी सीमेंट प्लांट में कार्यरत मजदूर आनंद यादव 4 दिनों से लापता था, जिसे चंगोरा भाटा रायपुर में उसके ममेरे भाई देव कुमार यादव के घर से पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि सूचना मिली कि गुम इंसान आनंद यादव अपने ममेरे भाई देव कुमार यादव के घर चंगोरा भाटा में है। तत्काल पुलिस टीम को रवाना किया। मौके पर पहुंचकर गुम इंसान आनंद यादव को चंगोरा भाटा रायपुर से दिनांक 19/2/19 को दस्तयाब कर थाना लाया गया और पूछताछ किया गया। अगर पुलिस की माने तो पूछताछ में आनंद ने बताया कि दिनांक 14/2/19 को रात में काम करने के बाद कंपनी से छिपते हुए बाहर निकलना और बिना बताए चले जाना बताया और विभिन्न लोग से कर्जा लेना भी स्वीकार किया। बहरहाल आगे जाँच जारी है। वहीं दूसरी ओर आनंद यादव बताया कि मैं प्लांट में घूम रहा था, तभी 2 लोग मेरे पास आए और मुझसे गुटखा मांगा, जिसमें से एक आदमी ने मेरे मुंह में कपड़ा सुंघाया, जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं सिमगा में था। वहीं कवर्धा से रायपुर की ओर गाड़ी आ रही थी, जिसमें मैं बैठकर रायपुर अपने रिश्तेदार के घर चला गया। आपको बता दें कि अब पुलिस की टीम गुम आनंद यादव को सकुशल उनके परिजन को सौंप दी है। वहीं उसकी पत्नी गीता यादव ने पुलिस विभाग को धन्यवाद दिया। बड़ौदा बाजार से मुकेश कुर्रे की रिपोर्ट। उसके बाद कम आगा आदमी एक आदमी उसके बाद एक आदमी गाली दिया उसकी गुटका मांगा ने वही गाली दिया मेरे क्यों गुटका नहीं खाते हुए तो एक लड़का था वो नाक में कुछ सुंघाया है उसके बाद ना मैं पता नहीं तो कैसे बोल दिया अपने उमरे भाई के बनाए पता नहीं मैं सिमगा में पता चला वो आया मेरे बस स्टैंड में उसके बाद कवर्धा से रायपुर गाड़ी आ रहा था तो रायपुर वाला में बैठ गया मेरे बुआ के पास गया। चैलेंजिंग परिस्थितियों में पुलिस इमामी प्लांट से रिलेटेड जो इशू था उस पर कार्य कर रही थी। एक वहाँ का वर्कर जो कि रात की शिफ्ट में था 14 और 15 की दरमियानी रात की शिफ्ट में काम करने गया था, जिसकी एंट्री का वहाँ पर रिकॉर्ड था बट एग्जिट का रिकॉर्ड नहीं था और वो उसके बाद से मिसिंग था। और जिस तरीके से जिन परिस्थिति में वो मिसिंग हुआ उसमें बहुत सारी ऑप्शंस बन रही थी तो पुलिस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि हो सकता है उसके साथ कोई प्लांट में हादसा हो गया, हो सकता है उसका किसी ने किडनैपिंग किया, हो सकता है कोई क्राइम उसके साथ हो गया हो, या हो सकता है वो स्वयं से कहीं से चला गया। कई तरीके की पॉसिबिलिटीज थी, कई तरीके की उसमें संभावनाएं थी। सभी संभावनाओं पे पुलिस की टीमों ने लगातार काम किया। इस बीच में 2 बड़े कार्यक्रम भी जिले में आयोजित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट थी, दामाखेड़ा में आयोजन भी चल रहा था, तो पुलिस के रिसोर्सेज भी उसमें भी लगे हुए थे, परंतु उन्हीं में से बहुत सारी टीमें निकाल करके SSP साहब खुद वहाँ पर पर्सनली मॉनिटर करते रहे। 2 दिन लगातार वहाँ की जो सर्चिंग थी, हम लोगों ने ट्रैकर डॉग्स का भी यूज़ किया, जो जिले का ट्रैकर डॉग है उसका भी यूज़ किया, जिससे हम लोग को कुछ अंदाज़ा मिला कि वो प्लांट से पीछे की तरफ के मार्फत बाहर गया है, या तो खुद गया है या उसको ले जाया गया है, जो भी प्लांट के लेके बाहर जाने की उसमें साइंस मिल रहे थे। फिर हम लोगों ने दूसरे ट्रैकर डॉग को भी बुलाया महासमुंद से ताकि क्रॉस चेक हो जाए, तो उससे भी सिमिलर साइंस ही हम लोगों को मिले। लेकिन चूँकि आदमी मिसिंग था और उसका जो भी अलग अलग ऑप्शंस को हम लोग को सब एक्सप्लोर करते रहना था, 50-60 लोगों की टीम ने वहाँ पे पीछे का जो ब्लास्टिंग वाला एरिया था उसमें भी सर्च किया। एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था तो हम लोगों ने कुछ ड्रोन्स भी मंगा करके उस एरिया में सर्च किया और जो टेक्निकल सेल साइबर सेल उसके मार्फत भी बहुत सारे कॉल डिटेल्स और सब संभाले गए। उन सबसे इस तरीके की ज़्यादातर सस्पिशन निकल के आ रहा था कि कुछ ना कुछ वो इशू से वो यहाँ से गया है, इसी तरफ से ज़्यादा संभावनाएं मिल रही थी। तो कुछ हमारी टीम रायपुर में भी, कुछ आरएन में
काम कर रही थी, क्योंकि उस टाइप के कुछ उसके मोमेंट पुराने डिटेल्स के माध्यम से भी हम लोग को मिले थे। और चूँकि ये प्लांट से मिसिंग हुआ था तो एक लॉ एंड ऑर्डर टाइप की भी समस्या थी, प्लांट के जो मजदूर हैं उनके परिजन हैं उन लोग भी वहाँ पर लगातार धरना दे रहे थे। बट इन सारी परिस्थितियों को पुलिस ने बहुत मेहनत से कार्य किया, बहुत सारी टीम उसमें लगी और अंततः कल रात को जो गुमशुदा व्यक्ति है वो हम लोगों को मिला है। और उसके बाद से किस परिस्थिति में गया, क्यों गया, उसके बारे में हम लोग उनसे अच्छे से पूछताछ करते हैं, उसके डिटेल्स थोड़ा सा बाद में सामने